एंड उससे पहले यहाँ पे एक लोकल मार्केट है जहाँ से आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। एंड कैसा व्यू पॉइंट है, लेट्स सी कि अगर अच्छा है बुरा है, वी विल लेट यू नो। Guys, welcome to my YouTube channel on two tickets one dream. This is Mohak and Pangot से हमें एक घंटा लगा यहाँ नैनीताल में। हम लोग नैनीताल में हैं अब, हमारी next destination. I hope तो मेरी previous video already देख ली होगी। So we came to नैनीताल with 1 hour drive from Pangot और हमने car parking करी है वहाँ पे। car parking है just and that is only costing 120 rupees and यहाँ पे ये cricket stadium है इनका और फुटबॉल विच इज लाइक ह्यूज एंड लॉट ऑफ नेशनल एंड प्लेयर्स कम हियर टू प्रैक्टिस एंड दे हैव मेड द ट्रैक्स एज वेल। ट्रैक्स पे आप लोग रेसिंग एंड ये सब कर सकते हैं। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे जो बहुत फेमस है नैना देवी मंदिर, एंड वहाँ चलते हैं और वहाँ चल के दिखाते हैं आपको मंदिर का लोकेशन कैसा है। बिल्कुल लेक के साइड पे है, बाकी चीज़ें मैं आपको वहाँ चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या फेमस है, क्या कैसे आप यहाँ पहुँच सकते हैं दिल्ली से, वो सब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। यहाँ से ये एंट्रेंस है मंदिर की और साथ में ही गुरुद्वारा है। यहाँ पे मार्केट है लोकल। और यहाँ कुछ खाने पीने के लिए शॉप्स हैं। यहाँ से आगे जाने के बाद लेफ्ट साइड पे मंदिर है। सो ये यहाँ पे माँ नैना देवी का मंदिर है और यहाँ से हम लोग अंदर चलेंगे एंड दिखाते हैं आपको अंदर क्या क्या है। ये नैनीताल का बहुत फेमस मंदिर है। तो अभी हम हैं माता नैना देवी मंदिर के अंदर जहाँ पे जो कि एक शक्तिपीठ है, जहाँ पे माता रानी के आईज जो थे यहाँ पे गिरे थे, तो ये एक शक्तिपीठ बना था। तो मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। एक्चुअली अंदर थोड़ा सा वीडियोस और फोटोज़ बनाना अलाउड नहीं है, बट स्टिल आपको कोशिश करता हूँ पूरा दिखाने की। उस साइड पे हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे बिल्कुल, और मेन मंदिर इधर है यहाँ सामने। ये मेन मंदिर है, ठीक है। और मेन मंदिर के साथ जस्ट काल भैरव का मंदिर है। और यहाँ पे बिल्कुल आउटसाइड पे एक शिवलिंग है वहाँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ, जो बिल्कुल लेक के साइड में है। नैनीताल के एक फेमस स्पॉट में से है। तो अगर आप नैनीताल आए तो जरूर इस मंदिर में आए, यू विल गेट लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। बहुत पीस मिलता है और बिल्कुल लेक के साथ में है। एंड लुक एट द लेक, लुक एट द व्यू, बहुत ही सुंदर। और ये मछलियां तो आप देख रहे हो, इनको यहाँ पे खाना खिलाना अलाउड नहीं है ड्यू टू सम रीजंस, बट बहुत सुंदर व्यू है। तो अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ जो कि मार्केट के बिल्कुल अंदर जाके है। तो ये वो लोकेशन है, मंदिर के बिल्कुल सामने से रोड आ रही है और यहाँ पे एक मोमोज की शॉप है जो कि बहुत फेमस है नैनीताल में। तो ये आ गए हमारे मोमोज, आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं खाने में। और ये है शॉप जो कि सोनम मोमोज के नाम से थी, अभी सोनम फास्ट फूड के नाम से फेमस है, जो कि 1983 से है यहाँ पे। जब दिल्ली में लोगों को पता भी नहीं होता था तब यहाँ पे मोमोज इतने खाया करते थे लोग। तो मोमोज खाने के बाद हम आगे बोटिंग करने नैनी लेक में। तो नैनी लेक की एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, नैनी लेक को अगर हाइट से जाकर देखेंगे तो बिल्कुल एक मैंगो की शेप में दिखती है और इसकी जो डेप्थ है वो करीबन 90-92 फीट्स है। डिपेंड करता है रेनफॉल पे, तब थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है,
वाटर कितना हाई लेवल है, सो उसके अकॉर्डिंग रहता है। और नैनीताल में इस लेक के बोट में अगर आपको घूमना है तो ये दो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, लाइक हाफ राउंड और फुल राउंड। जो बोटिंग के प्राइसेस हैं वो कुछ लाइक हाफ राउंड जो रो बोट है उसके 160 हैं और फुल राउंड रो बोट के 210। और अगर आप पैडल वाली बोट लेते हैं उसके पर आवर के हिसाब से हैं तो 210 पर आवर उसके हैं। और बोटिंग का जो टाइम है वो 6 to 6 रहता है, लाइक अर्ली मॉर्निंग 6 AM से इवनिंग 6 PM तक ही रहता है। लेकिन जब आप बोटिंग कर रहे होंगे आपको चारों तरफ अपने हिल्स दिखाई देंगे, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इतना अच्छा लगता है देख के कि दिल खुश हो जाता है। तो हमने हाफ राउंड लिया है बोट का और यहाँ से हम हाफ राउंड पे उतर जाएंगे और वहाँ से हम रिक्शा लेके वापस आ जाएंगे। तो अभी हम नैनीताल के मॉल रोड पे रिक्शा राइड ले रहे हैं। सो बेसिकली एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए या तो आप रिक्शा यूज़ कर सकते हैं या फिर बोट यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर डिपेंड करता है। बेस्ट वे है कि आप बोट से जाओ और रिक्शा से आ जाओ, विच इज़ द बेस्ट वे। तो अभी हम आ गए नैनीताल की मॉल रोड पे। मोस्टली जो होटल्स हैं वो इसी नैनीताल लेक के सामने लोग लेते हैं बिकॉज ऑफ द व्यू। इस तरफ नैनीताल लेक है और ये मॉल रोड है। मैं खुद आपको सजेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पे रहना बिकॉज यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, पीस आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ द पीपल। मैं आपको सजेस्ट करूँगा थोड़ा सा आगे जाके आप रहिए, शोर वगैरह पसंद है तो आप ज़रूर यहीं पे रुकिए। मैं आपको होटल्स के नेम वो सब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन पर जो कि है रोपवे, और वहाँ से जाके व्यू पॉइंट दिखेगा। सो लेट्स गो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रोपवे केबल कार के लिए। मॉल रोड से बिल्कुल अंदर आके यहाँ पे ये एंट्रेंस है और प्राइसेस यहीं पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सो रोपवे बोथ वेज यू हैव टू पे फॉर अडल्ट 360 एंड फॉर चाइल्ड इट्स 260 बिटवीन 3 to 12 ईयर्स। सो दिस इज द वे टू गो देयर एंड लेट्स सी हाउ इज द व्यू। और यहाँ से रास्ते में जाते हुए यहाँ बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक बुल राइड है और ये एरोप्लेन है, और इधर राइट एंड साइड पे देर इज बम्पिंग कार्स, लाइक बच्चों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है इफ यू वॉन्ट टू एंटरटेन दैम। और वो किड्स एरिया के जस्ट बाद यहाँ पे काउंटर है, यहाँ से आप टिकट परचेज कर सकते हैं। एंड यहाँ से हम लोग एंट्री लेते हैं, ये वेटिंग एरिया है पूरा, तो एटलीस्ट लाइक 5-7 मिनट्स का वेटिंग होता है, तो उसके लिए सेटिंग यू कैन सिट हेयर वेटिंग एरिया बनाया हुआ है। And then they will call you and you have to show the ticket here and then you have to go to the cable car. आपको इस स्टेयर से जाना पड़ेगा एंट्री के लिए। And let me show you. So this is how it looks. There is one cable car coming. और ये हम केबल कार में एंट्री कर रहे हैं विद माय वाइफ दीदी एंड वन मोर दीदी। वी आर इन द केबल कार राइट नाउ एंड लेट्स सी हाउ इज द व्यू फ्रॉम हियर। यू कैन सी द व्यू ऑफ द लेक। तो ट्रॉली के जस्ट बाद, केबल कार के जस्ट बाद हम लोग यहाँ पे लैंड कर रहे हैं और इधर व्यू पॉइंट है, अभी हम लोग उस साइड जा रहे हैं। सो
कम ऑन लेट्स सी व्हाट्स इन देयर एंड कैसा व्यू पॉइंट है, लेट्स सी कि अगर अच्छा है बुरा है, वी विल लेट यू नो. या इट वाज नाइस. बहुत डर लग रहा था मुझको. पहले मुझे लगा कि बहुत कम देर का वो लोग राइड दे रहे हैं, बट जब मैं वहाँ उसमें थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था. और हाँ, वर्थ है, 360 रुपीस में वर्थ है वैसे तो. सो देयर इज अ व्यू पॉइंट एंड उससे पहले यहाँ पे एक लोकल मार्केट है जहाँ से आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं. प्राइस ज़्यादा नहीं है, प्राइस चीप ही है वैसे. एंड लेट्स गो देयर एंड सी कैसा है व्यू पॉइंट. Wow, so beautiful. Clouds, look, there's a clouds. Very nice, beautiful. So, मेरे लिए worth it है. 360 रुपीस में अगर आपको ये व्यू भी देखने को मिल रहा है और केबल कार भी मिल रही है तो it's worth. केबल कार राइड करने के बाद हम लोग आए सैकलिस. ये नैनीताल का सबसे फेमस और टेस्टी पेस्ट्री शॉप है. मस्ट 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 ट्राई. और यहाँ से ज़रूर बच के, जिसकी हाइट 6 फुट से ऊपर है. बहुत तेज़ लगा मेरे. तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें ऑर्डर करी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ. ये है चॉकलेट पेस्ट्री और ये है ब्लूबेरी चीज़ केक. चॉकलेट पेस्ट्री मस्ट ट्राई, बहुत अच्छी है यहाँ पे. तो अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, जो मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा. आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू टिकट्स 1 ड्रीम.